हाँ जी वाहेगुरु जी जरा सारिया संगतान वाहेगुरु जी का खालसा धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी अज दसदिया होया बहुत खुशी महसूस हो रही दस न जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चल रहे हैं जिदे अधीन बहुत सारिया सेवावान स्कूल हस्पताल बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी विधवा बीबिया राशन देन की सेवा फ्री टिफिन सेवा होर भी बेंत सेवावान जिते चल रही ने उत्थे पिछले तीन सालों तो निरंतर गुरु के लंगर की सेवा चल रही थी सवेरे 11 to 4 तक जिदे तकरीबन 2500 तो भी वध शरीर रोजाना प्रशादा छकते हैं तो मन की इको एक भावना सी कि चलो असी होर कुछ नहीं कर सकते भावें पर यह जिहड़ा राम तीर्थ रोड घट तो घट इस रोड के उत्ते जिहड़े भी लोड़मंद ने वो भुखे ना सौन इस चीज़ को मुख रख के जो ये लंगर की सेवा शुरू की गई बाबा नानक जी ने जो पूरना पाया सी 20 रुपये तो शुरुआत करके लंगर का उस मिशन नू लैके ये सेवा शुरू हुई सी ते सेवा तो चल रही सी पर पहले ये जगह सिर्फ असी दीवारा करके शैड पाया सी बारिश दे विच काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती सी ते हुण महाराज ने कृपा की जो संगतां किनका किनका सहयोग देंदियां ने उस सहयोग का सदका ये हुण इमारत पक्की बन के तैयार होई है इहदे विच भी उस तरह क्योंकि जदों ये इमारत बन रही सी तकरीबन 4-5 महीने लग गए उस दौरान भी लंगर बंद नहीं होया वो लंगर गुरु बाबा नानक जी की जिहड़ी गड्डी बनाई चलती फिरदी रसोई उहदे विच चलदा रहा ते हुण ये इमारत बन के तैयार हो गई हुण इहदे राहीं फिर लोड़मंद जो लाहा लै सकणगे राम तीर्थ रोड तो गुजरन वालियां संगतां जां कोई भी प्रेमी है इत्थों लाहा प्राप्त कर सकेगा जो उन्हां नूं प्रशादे पाणी की सहूलत मिलिया करेगी बस तुसी सारे अरदास करो जिन्हें भी मीडिया वाले वीर ने मैं तुहाडे सारिआं दे चरणां दे उत्ते मत्था टेकदा तुसी बहुत वड्डे हो ये जो साडा सुणिआ तुसी लखां तक पहुँचाउंदे हो मेरी तुहाडे प्रति भी अरदास बेनती गुरु रामदास जी तुहानूं बाबा दीप सिंह जी तुहानूं सारिआं नूं तंदरुस्तियां खुशियां ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਣਾਈ